बीते 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे एक स्वास्थ्य सेवा को संचालित कर रहे करीब 717 कर्मचारियों के धरने को एक और जहां राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब इस हड़ताल ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया। एक और जहां कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर होने के साथ ही ये कह रही है कि सरकार 108 सेवा को संचालित कर रहे कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करे, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में 108 सेवा बदहाल स्थिति में चली गई थी। न तो गाड़ियों में पेट्रोल होता था और न ही गाड़ी के टायर ठीक होते थे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने 108 सेवा के कर्मचारी को मिल रहे समर्थन को राजनीति से प्रेरित बताया। सेवा को अगर प्रदेश में ध्वस्त किया है और आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में 108 सेवा प्रारंभ की थी और ये इतनी अधिक लाभकारी रही कि इसको लाइफलाइन कहा जाने लगा। राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी स्थिति में 108 सेवा में बाधा नहीं आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका है वो केवल और केवल कर्मचारियों की आड़ में 108 सेवा को बाधित करने की कोशिश कर रही है। देखिए, 108 के बारे में आपको मालूम है कि पिछले 15 दिन से लगातार हमारे 108 के कर्मचारी हड़ताल पे हैं और सरकार का एक भी नुमाइंदा आज की तारीख तक उनसे बात करने नहीं गया। कांग्रेस सरकार के जमाने में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब इनको तनख्वाह समय पर न मिली हो, जब इनकी गाड़ी में डीजल न रहा हो। संवाद 365 के लिए देहरादून से काजल की रिपोर्ट।